मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोनू निगम के बाद अब अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अजान को तकलीफ देह बताया है। गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अजान के खिलाफ धड़ाधड़ ट्वीट करते हुए अजान को असभ्य तक कह दिया है। सुचित्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर अजान को लेकर टिप्पणी की। सुचित्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुबह 4:45 पर घर पहुंची हूँ और कान फटने वाली अजान की आवाज सुनी। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जितना कि जबरदस्ती थोपी गई धार्मिकता। बाद में सुचित्रा ने 2009 में अजान पर लिखे अपने ब्लॉग का लिंक ट्विटर पर शेयर किया। बढ़ते विवाद के बीच सुचित्रा ने ट्विटर पर लिखा कि कोई अजान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं सुबह जागती हूँ जिसके बाद पूजा और योग करती हूँ। इन सब के लिए मुझे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। सुचित्रा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस गर्म हो गई है। जहां कुछ लोग गायिका का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस विवादित ट्वीट की आलोचना भी कर रहे हैं। अब सुचित्रा के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अभिनेत्री पर विवादित बयान दे दिया है। अजान पर किए ट्वीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भड़क गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि अभिनेत्रियों को आधा कपड़ा पहनकर नाचने में मजा आता है, गले में हाथ डालकर मजा आता है, भारतीय संस्कृति का मजाक बना दिया है। यूपी में रात भर कीर्तन भजन चलता रहता है लेकिन कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं करता। आपको बता दें कि सुचित्रा बॉलीवुड में कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं। 1994 में आई फिल्म कभी हाँ कभी ना में सुचित्रा ने सुपरस्टार शाहरुख खान के अपोजिट काम किया था। वह अनिल कपूर के साथ भी काम कर चुकी है। सुचित्रा ने 1997 में मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर से शादी कर ली थी लेकिन 2007 में दोनों का तलाक हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले गायक सोनू निगम भी अजान को लेकर विवादित ट्वीट कर चुके हैं। वायरल कीड़ा न्यूज़।